सो अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने बेहतरीन से टॉपिक जो कि सेंसिटिविटी का टॉपिक है उसके ऊपर बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फेवरेट ये टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को सेंसिटिविटी में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो देखा जाए तो सेंसिटिविटी ये गेम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके सामने आप दो सेंसिटिविटीज़ हैं, स्क्रीन सेंसिटिविटी और जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो आप मैं पहले आपको अपनी सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ, आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। ये सेंसिटिविटी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर कोई iOS डिवाइस है एप्पल की, तो आईपैड हो गया या आईफोन हो गया, तो उसमें आप ये सेंसिटिविटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये मतलब सूटेबल रहेगी। लेकिन अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो उसकी ये सेंसिटिविटी थोड़ी सी अलग होती है। तो उसके लिए आज से मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप यही कॉपी कर लें। हाँ, मैं जो आगे आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, आप सुने उसको और आप बिल्कुल अपने हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप आगे चल के अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो अब मैं आपके सामने वापस लॉबी में आया हूँ। अब आपने सेटिंग में जानना है, सेंसिटिविटी में जानना है, आपकी मतलब कोई ख़राब सेंसिटिविटी है, ठीक है, आपने शुरू किया तो आपने पहले सार वो ऊपर देखें, मैंने मोस्ट यूज़ पे क्लिक किया, मतलब जो सीज़न में सबसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया वो ये सेंसिटिविटी है। उसके बाद सीज़न एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट लोगों ने जो मतलब रैंकिंग टॉप रैंकिंग में जा रहे हैं उनके लोगों की सेंसिटिविटी जो है जो यूज़ हुई है वो ये सेंसिटिविटी, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आता है तो आपका हाथ नहीं बैठ रहा है तो इसमें आप थोड़ी बहुत ही करके चेंजिंग कर सकते हैं, प्लस माइनस फाइव इस तरह, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फाइव इस तरह करके चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और मेन चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आगे मैं आपको जाकर अभी जाता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो आपको मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, मैंने उठा लिया M4। तो अब ये बात मेन समझने वाली ये है कि अब देख सकते हैं आपके सामने एक ये मैं आप जायरो से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, जायरो की ये कैमरा सेंसिटिविटी है जिससे मैं सिर्फ हिला रहा हूँ, मतलब क्रॉस ईयर सिर्फ मूव कर रहा है। लेकिन अभी ये मैं फायर करते हुए जो मूव कर रहा हूँ जायरो से आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, ये जायरो की ADS सेंसिटिविटी होगी। तो मेन जो फंक्शन करते हैं फाइट, क्लोज रेंज फाइट या मिड रेंज फाइट में जो हम सिर्फ क्रॉस एयर यूज़ करते हुए करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ये है कि आपने सिर्फ ADS सेंसिटिविटी की सेटिंग करनी है, मतलब दूसरी सेटिंग आप बेशक कम रख लें ज़्यादा रख लें, लेकिन ADS सेंसिटिविटी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब क्रॉस एयर अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा तो आपका बिल्कुल हेड पर ही एम जाएगा। तो उसके लिए अभी मैं आपके सामने सेटिंग में जाता हूँ, सेंसिटिविटी में आप देख सकते हैं। तो अभी ये मैं स्क्रीन में दिखाया तो ये आपके नीचे ऑप्शन जो है ADS सेंसिटिविटी वाला ये आपका डिसेबल होगा, लेकिन आपने इसे एनेबल करके उससे थोड़ा सा डिफरेंट रख लेना। अब उसका आप देख सकते हैं मैंने 200 रखा हुआ था तो इसका 130, अब इसी तरह जायरो में इसका मैंने 250 रखा हुआ है तो नीचे मैंने इसका एनेबल करके 270 कर दिया, क्योंकि मेरे लिहाज से वो परफेक्ट थी। तो मेन चीज़ ये है कि फायर करते हुए अगर आप जो सेंसिटिविटी यूज़ करेंगे वो ADS सेंसिटिविटी है, फायर किए बगैर चाहे वो स्कोप होगी चाहे वो क्रॉस ईयर होगा, कोई भी सेंसिटिविटी आप आगे पीछे करते हुए यूज़ करेंगे वो होगी कैमरा सेंसिटिविटी।